तो हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो अभी जो कैरी मिनाटी की न्यू वीडियो आई हुई है जिसमें कि उन्होंने एमसी स्टैन को रोस्ट किया हुआ है, तो उसी पर जो पीपॉय हैं एक यूट्यूबर, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कैरी मिनाटी का रोस्ट वीडियो बस एक रोस्ट वीडियो है, उसमें कोई भी पर्सनल अटैक नहीं है, बट फैंस ऑफ बोथ हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस टू। माय पर्सनल ओपिनियन, एमसी स्टैन वॉन बिग बॉस 16 एज ही ब्रॉट द टीआरपीज टू द शो प्लस हिज has been quite inspirational। साथ जो मुनावर फारके हैं उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए आप देख सकते हो हंसने को मोजी के साथ में यार लिखा हुआ था। साथ ही एमसी स्टैन और कश्मीर का जो कोलैब सॉन्ग है हदवर्ती उसने 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। साथ ही ये सॉन्ग टीवी पर भी प्ले हो रहा था आप देख सकते हो। अगली जो न्यूज है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो ग्रैमी ने 5 बॉलीवुड स्टार्स के नाम सजेस्ट किए हुए हैं आप देख सकते हो। अगली जो न्यूज है वो आ रही है किंग की तरफ से। तो किंग स्पॉटिफाई पर वर्ल्ड वाइड 357वें पोजीशन पे आ चुके हैं आप देख सकते हो। उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी और नीचे लिखा हुआ था नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, नाउ हूज नेक्स्ट। अगली न्यूज वो आ रही है ग्रेविटी की तरफ से। तो ग्रेविटी ने एक ट्वीट किया हुआ था आप देख सकते हो, उनको डिवाइन ने मैसेज किए हुए हैं जिसमें कि लिखा हुआ है प्राउड ऑफ यू ब्रो, न्यू यू हैड इट अपवर्ड्स। साथ ही अगली जो न्यूज वो आ रही है एमईबी की तरफ से। तो एमईबी हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर परफॉर्म करने वाले हैं। क्या बोलती कंपनी, एमईबी बनता है मालूम है ना, फिर से आ गए ले अपन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में बात करने के लिए। तो आज फटे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, कान खुल के सुनो पब्लिक, क्योंकि गाने वाने सुनते लेकिन ये सुनना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट ऐसा है कि भाई अपने धरती में अपन इंसानों से ज़्यादा एक और चीज़ है, मालूम नहीं ना क्या है, वो है प्लास्टिक। क्योंकि अपन प्लास्टिक का ना जाने क्या क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की बोतल, स्ट्रॉ और बहुत सारी बलती बलती चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि इस धरती के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि भाई अपन लोग लकी इनफ है तो 100 साल जी जाएंगे, लेकिन एक प्लास्टिक के एक बोतल को डिकम्पोज होने के लिए कम से कम 20 से 500 साल लग जाते हैं। तो हमारे साथ आए बिल्कुल, क्योंकि 5 जून को मैं आ रहा हूँ कार्टर रोड, तो सब लोग पहुंचो, अपना सपोर्ट दिखाओ। साथ ही सुमी ओकी की जो एल्बम आने वाली है उसकी ऑफिशियल ट्रैक लिस्ट आ चुकी है और ये फुल एल्बम हमको 2 तारीख को देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही हिट जोन ने भी उनके अपकमिंग ट्रैक का अनाउंसमेंट कर दिया हुआ है। साथ ही पैंथर का नया सॉन्ग सोनी म्यूजिक इंडिया की यूट्यूब चैनल से म्यूजिक वीडियो के साथ में रिलीज हो चुका है। साथ ही संजय का भी नया सॉन्ग वीडियो के साथ में रिलीज हुआ है और मिंटा मीमैक्स और यंग गालिब का भी कोलैब ट्रैक रिलीज हो चुका है। तो इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।